शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो भारत का स्थान अमेरिका और चीन के बाद आता है। इसके अलावा विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, जो ये बताता है कि अभी शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार की जरूरत है। ग्यारह में 7 मार्च को मेरा इकलौता बेटा एक दुर्घटना में नहीं रहा, और उसके बाद मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी उद्देश्यहीन सी हो गई है और अब मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे कि मैं समाज को कुछ दे पाऊं। और मुझे तभी से ये विचार आया कि मैं इस स्कूल को, क्योंकि मैं वहन कर सकता था, निःशुल्क कर दूं। मैंने उस घटना के बाद अपने स्कूल में फीस लेनी बंद कर दी। हमने एक चीज की नई पहल यहाँ की कि बच्चों को तो हम खाना देते ही हैं, जो कुछ पेरेंट्स दोपहर में इन बच्चों को लेने स्कूल आते हैं, जिनके छोटे बच्चे, उनको भी यहाँ पे खाना दिया जाता है। ईश्वर ने मुझे इतना दिया है और मैं अब जब तक भी मुझ पर जो भी बन पाएगा, जैसे मेरे संसाधन होंगे, मैं इस चीज को और बढ़ाऊंगा। मेरे स्वर्गीय पिताजी का सपना था कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, इसीलिए मैंने उनके नाम पे 1992 में TRS पब्लिक स्कूल शुरू किया। और निःशुल्क करने का विचार मुझे तब आया कि मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ और इन गरीब तबके के बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। अभी यहाँ कक्षा 5 तक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहा है। कक्षा 6 में इन बच्चों के दाखिले हम भवानी शंकर इंटर कॉलेज में कराते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि हमारे सिलाई सेंटर से जो लड़कियां अच्छी सीख के निकले उनके रोजगार की व्यवस्था करवाई जाए, कंप्यूटर सेंटर से जो बच्चे निकले उनके रोजगार की व्यवस्था करवाई जाए। और इन बच्चों में मैं विशेष ध्यान रखता हूँ कि जो बच्चे आगे कुछ कर सकते हैं उनका बाकी खर्च भी हायर एजुकेशन का मैं उठाऊंगा। हमारे देश में गरीबी का बुरा हाल है, कुपोषण और भूख बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हिंदुस्तान का हर समृद्ध व्यक्ति ये तय कर ले कि मुझे अपने पैसे में से कुछ पैसा उन निर्धन लोगों पर खर्च करना, तो हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा। पहले 100 के लगभग बच्चे थे जब फ्री किया था, अब वो संख्या 200 पे पहुंच गई है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बच्चे बढ़ रहे हैं, ये बच्चे आगे जाके BTech में या मेडिकल में जा सकते हैं, और इन्हें महंगी कोचिंग की जरूरत है। जितने बच्चों का मैं कर पाऊंगा, जब ये उस स्टेज में पहुंचेंगे 12th की, तो मैं जरूर कर पाऊंगा। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हम लोगों पर साधन है, साधन बगैर हुए तो मैं सलाह नहीं दूंगा, संभव भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास साधन है वो इस तरीके से व्यक्तिगत स्तर पे खर्च करें। वाकई ऋषिपाल जी जो काम कर रहे हैं उसके लिए चाहिए हिम्मत, क्योंकि अगर है हिम्मत तो कोई भी असंभव काम है संभव। हम अपने शो है हिम्मत में आगे भी आपको ऐसी ही हिम्मत भरी कहानियां दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे अमर उजाला TV के Facebook पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।